करता क्या है? मंथ, ईयर। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड्स, एम्प्लॉयज के नाम, उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक कैलेंडर टाइप की आपको दिखाई दे रही है फॉर्मेटिंग, जिसमें करंट डेट हाइलाइटेड मिलेगी आपको। ठीक है जी, यहाँ से मैं मंथ चूज करता हूँ पिछला महीना अक्टूबर की। यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया, कैलेंडर अपने आप चेंज हो गया। तो कैलेंडर में देखने वाली बात है, अगर 31 का महीना है तो यहाँ पे 31 दिन दिखा रहे हैं, 30 दिन का है तो यहाँ 30 दिन दिखाएंगे, अपने आप एडजस्ट करता है। दूसरा, सैटरडे संडे जिस भी मंथ में होंगे वो हाईलाइटेड आएंगे, बंदे ने लीव लिए अपने आप। कहीं भी मैंने कुछ भी लिखना नहीं है, ये सब फॉर्मूला से सेट है। दूसरी चीज ये करता है कि हमारी जो डेट ऑफ सर, जो है, हाँ जी वीडियो स्लो चल रहा, लगता है मेरा सिस्टम थोड़ा। चलिए आप कंटिन्यू रहिए। दूसरा, मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके बाद ही अटेंडेंस चालू होगी, ये ऑटोमेटिक फिल कराता है अटेंडेंस को। अभी सिस्टम को बना के देखते हैं कैसे। यहाँ जो आपको कुछ दिख रहे हैं इस तरह से ऑरेंज में कुछ जो कॉलम्स है, वो हमारे कंपनीज हॉलीडे हैं, जैसे कंपनी अपनी तरफ से हॉलीडे कर देती है इस तरह से है, दिवाली होली इस टाइप की, तो ये भी इसमें ऑलरेडी अपने आप हाईलाइटेड आते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले से जो हमने अब तक देखे हैं। आइए देखते हैं हम उसमें और क्या एडवांस कर सकते हैं, इसको किस तरह से बना सकते हैं हम लोग नई शीट पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मंथ और ईयर, इनकी पहले तो मुझे लिस्ट चाहिए। अब लिस्ट कैसे आएगी इसमें, ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की, तो हम इसके लिए जनरली यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन, जो कि हमारे पास डेटा टैब में जाके, एक सेकेंड, ये एक्सेल मेरी दूसरी वाली खुली है, मैं इसको 7 में खोल देता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं मंथ और ईयर। यहाँ पे मुझे लिस्ट में चाहिए, हमारे पास डेटा में है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का टॉपिक आने पे मैं आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में पूरा सही से बताऊंगा क्या चीज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, यहाँ से हम कोई भी लिस्ट पुट कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने के लिए 12 लिस्ट वैल्यूज यहाँ से। ठीक है जी, इसी तरह ईयर में कुछ एक ईयर डाल लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट में सोर्स में हम एंट्री कर देंगे 2011 से कर लेते हैं। हाँ जी, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक बार फिर से बताएंगे? अब मेरा वीडियो ठीक चल रहा है, बस शायद आपने एक ही स्टेप पीछे किया डाटा वैलिडेशन, हाँ, मैंने ये डेटा मंथ वैलिडेट वाला जो। जो मैंने मंथ में क्या किया वो ईयर में भी सेम चीज ही कर रहा हूं मैं, तो अच्छा जैसे ठीक है सर, मंथ में मैंने 1 से 12 तक महीने लगा दिए लिस्ट के अंदर आ गए मेरे। ठीक है जी, अब लिस्ट कैसे ठीक है। लगाते हैं, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे हमारे पास अलाउ लिस्ट, सोर्स में हम बस वो टाइप कर देना है हमें, सेपरेटेड बाय कॉमा, 11 से ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपने 1 2 3 4 5 जितना भी 1 2 3 था वो कॉमा सेपरेट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, दो हजार ठीक है सर, बारह 2013 2014 2015 तक लेते हैं, 5 साल का कैलेंडर, 5 6 साल का बन, 5 साल का बन जाता है। अब क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आने लगी,
मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने, यहाँ पे हमारा आएगा ईएमपी कोड, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है जी। नाम की हमेशा मेरे पास लिस्ट रहती है। P001, इस तरह से मैं इनके एम्प्लॉय कोड दे लेता हूँ कुछ, ठीक है जी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी अपनी मर्जी से डाल देता हूँ, 12 अगस्त 2000। अगस्त 2013, 12 2013, 15 नवंबर 2013, 1 फेब 2012, 13, इसी तरह से कुछ भी डेट मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई मेरी। नेक्स्ट चलते हैं, हमें डेट्स जो है डायनेमिक करनी है, मंथ के हिसाब से हमारी डेट आनी चाहिए। देखिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है, डेट का फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला क्या करता है, हमसे तीन वैल्यू लेता है, ईयर, मंथ और डे। यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ, डेट मैंने डाला, अब ईयर में मैंने यहां से इसका रेफरेंस दे दिया, मंथ में मैंने यहां पे रेफरेंस दे दिया, और पहली तारीख चाहिए कैलेंडर टाइप बनाना, तो एक हाथ से एंट्री कर दी, क्लोज किया। अब क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट 3, समझने के लिए आसान होगा। अब जैसे मैं यहां से कोई भी चीज चेंज करता हूँ, ये डेट उस हिसाब से चेंज होने लगी मेरी, ठीक है जी, ये चीज समझ में आई। अब क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम हमारे जो कैलेंडर मंथ होता है 31 का होता है, मैं क्या करता हूँ इसमें, इस डेट में +1 कर देता हूँ, फॉर्मूला डाल देता हूँ, 2 अगस्त आ गई, इसको खींच खींच के ले जाता हूँ 31 तक, यहाँ तक कितनी आई, 25, 30, 1 और 31, 31 आ गई। अब इस तरह से अगर मैं डेट दिखाऊंगा तो मेरा कैलेंडर बहुत बड़ा हो जा रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरा तो खाली नंबर से भी काम चलेगा, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कस्टम फॉर्मेट में Ctrl+1 से जाता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग में, और कस्टम में जाके यहाँ पे खाली लिख देता हूँ DD, तो मुझे डेट डिस्प्ले करेगा। अब इसको जाके मैं यहां से डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर देता हूँ, ऑटो फिट कर दिया मैंने, अब ये विजिबल है। दूसरी चीज एक करते हैं कि जो डेट है वो संडे मंडे हमें कैसे पता पड़ेगा, टेक्स्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू हम नीचे वाली ले लेंगे, मैंने जैसा कि पहले बताया था कस्टम फॉर्मेटिंग में जो है आपकी वैल्यू वही रहेगी, खाली दिखाता ऊपर से अलग है, आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी, टेक्स्ट फॉर्मूला है, ये रेफरेंस दिया मैंने नीचे वाला, कॉमा, फॉर्मेट क्या डालना है मुझे, DDD, वेडनेसडे दिखा रहा है,
अब ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। हमारे पास क्या था, डी डी, 5 बार दे दें। तो फुल आने लगा, डी डी टी। यहाँ पे इस तरह से था, नहीं इसमें लगता काम नहीं करता। डी डी डी, इसी से काम चलाते थे, 3 से ही। तो अब मेरे पास यहाँ पे दिन आ गए। अब यहाँ पे इतनी वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो सैटरडे संडे मेरे लिए आइडेंटिफाई करना आसान है, बड़ा आराम से। मैं मुझे पता है सैटरडे संडे कहाँ है, तो मैं इसको खाली सेल रेफरेंस के बेस पे, तो मैंने आपको एक सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए जो रो हाईलाइट करवाई थी, उसमें मैं कॉलम हाईलाइट करवा कर तो कम से कम करवा सकता हूँ। ठीक है जी, तो लगाएंगे तो हम सब पे इसी सेल से सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। यहां हमारा फॉर्मूला आ गया। अब मैंने कहा हमारा D4 है इक्वल टू संडे, कई कंपनी में सैटरडे संडे भी होता है। मैं इसमें एक और फिक्स कर देता हूँ, 2 बार चेक कराता हूँ, और में होगा सैटरडे या संडे। इसमें से ना मैं एक ये रो फिक्स करूंगा, कॉलम नहीं फिक्स करूंगा, डी के आगे से हटा देता हूँ, डी $4 कर देता हूँ, इक्वल टू सैटरडे। और जब ये ट्रू आए तो फॉर्मेट में मैंने कर दिया फिल में येलो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर से ये यहां तक सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारा ये कैसा काम कर रहा है। 2013 नवंबर, ठीक है जी। आज क्या तारीख है, 27, बुधवार है आज। ठीक है जी, थोड़ा सा मैनुअल फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरी एक प्रॉब्लम यह है कि जब 30 का महीना होता है तब तो मतलब 30 आगे एक देने लगता है, अगली डेट शुरू कर देता है। अब मुझे सबसे पहले करना है कि हमारी मिनिमम डेट क्या है, 28 है, फरवरी में होती है। हमारे पास एक फॉर्मूला है ईओ मंथ का। अब ईओ मंथ क्या करता है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। जैसे मेरे पास कोई भी डेट है, 15 नवंबर लगा लीजिए, कोई भी डेट। अब ईओ मंथ क्या करता है, ईओ मंथ स्टार्ट डेट लीजिए 0, मंथ मतलब कितने डिफरेंस पे आप मंथ देखना चाहते हैं। मैं उसी मंथ का देखना चाहता हूँ। ईओ मंथ होता है एंड ऑफ मंथ,
वो आपको मंथ के एंड की डेट दे देता है। यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, एक तो डेट हो गई डायरेक्ट और एक हमारा मंथ। अगर मैं एक करूंगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ की एंड ऑफ मंथ दिखाएगा, एंड ऑफ मंथ की डेट दिखाएगा। तो मोस्टली जो है मैं इसको जीरो ही रखता हूँ, यहाँ पे मुझे जीरो की ही जरूरत है। ठीक है जी, अब ये अपना फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। 28 मिनिमम डेट होती है, मैं इसी फॉर्मूला में आ जाता हूँ, इफ के अंदर डालता हूँ। मैं कहता हूँ इफ ई ओ मंथ किसका, पहला वाला चूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। और इसको फिक्स कर लेते हैं। ईओ मंथ D5 0, इसको फिक्स कर लेते हैं। डॉलर आगे पीछे दोनों जगह लगा दिया। इज ग्रेटर देन, और इक्वल टू, नहीं ये मंथ, यहां से इसको इसके आगे कर लेते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है यो मंथ से, देन ट्रू में क्या देना है, ये फॉर्मूला। मैं ग्रेटर देन में हमें क्या कर देना है फिर, अगर ऐसा बड़ा हो जाती है डेट तो ब्लैंक रखनी है, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा मोड कर दिया। इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है जी, अपना जरा सा अपने डेट वेट पे चलता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहां से मैं जैसे 31 का चूज करता हूँ, 31 पूरा आ रहा है। 30 का चूज करता हूँ तो 30 तक आगे कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी, अब वैल्यू तो नहीं आ रही पर ये बचा हुआ कॉलम भी है। मैं कह रहा हूँ कि इसके बॉर्डर फॉर्डर में क्या करूंगा। अब मैंने इस पे सेट की है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। इसमें मैंने कहा कि अगर ये इक्वल टू AH4, वैसे ही लिख डॉलर में आ रहा है, AH4 इक्वल टू ब्लैंक है, AH4 में मैं 4 को ब्लॉक कर देता हूँ, हम बल्कि AH4 से नहीं, हम इसको लगाते हैं यहाँ 28 के बाद से 29 पे। ठीक है जी, जहाँ यह फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट उसी के ऊपर से लगाना है हमें ये रूल यूज फॉर्मूला। अगर हमारा AF5 को ही बेस मान लेते हैं, इक्वल टू ब्लैंक है, चेक कराएंगे हम खाली, ट्रू फॉल्स में हमें यही रिजल्ट मिल जाता है। तो फॉर्मेट क्या करना है, बॉर्डर्स पे आ जाएंगे, कहेंगे
ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा के देख लेते। ओके, फॉर्मेट प्रिंटर लेंगे, उसको मार देंगे फॉर्मेट। ठीक है जी, अब मेरा क्या चेंजेस है, 31 का हो गया तो अपने आप आ गया, फरवरी में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा समझ आता है। अब दिक्कत क्या आ गई उसमें, एक फॉर्मूला था हमारा, एरर देने लग गया, टेक्स्ट DDD ने एरर दी और इस फॉर्मूले ने एरर दे दी। हम यहाँ करेंगे, हमारे पास एक इफ एरर का फॉर्मूला होता है, अगर किसी फॉर्मूला में एरर आए तो क्या करना है, इफ एरर हम कह रहे हैं कर दे ब्लैंक। ठीक है जी, इसमें दो वैल्यू लेता है, वैल्यू में हमारी हो गई, अगर वैल्यू एरर है तो ये कह रहा है वैल्यू इफ एरर, एरर की कंडीशन में क्या देना है, मैंने कहा ब्लैंक देना है, ब्लैंक कर दो। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, हो गई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, अब अपना चेंज करते हैं मजे से। यहाँ ये तो बन गया हमारा कैलेंडर, ठीक है जी, कहीं से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ वर्किंग क्राइटेरिया पे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ मैं इसकी एक हेडिंग बना देता हूँ, मर्ज कर दिया मैंने, अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ। अब यहाँ पे मंथ अगर मैनुअली डालूंगा हर महीने चेंज करना पड़ेगा, पर इसको डायनेमिक बनाना है तो क्या करना है, हमारे पास एक ना, जब भी हमें टेक्स्ट को एंटर करते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से, टेक्स्ट को एंटर करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और कंकैटिनेट करते हैं यानी कि दूसरे से जोड़ते हैं तो एंड के थ्रू जोड़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मंथ, मैंने ये वैल्यू उठाई, अपना फॉर्मूला लगा देते हैं कौन सा हमारा यहाँ काम आएगा, टेक्स्ट का ये वैल्यू उठाई जो कि डेट है, फॉर्मेट कर दी MMM, चार बार एम दिया तो फुल नेम आएगा प्लस YY साथ में YY एंटर, सितंबर 13। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, अक्टूबर 13, ईयर चेंज करता हूँ, क्लियर है, थोड़ा सा बोल्ड करके फॉर्मेट कर ले। ठीक है जी, अब चलते हैं हॉलीडे हाईलाइट कराने, जैसे हमारी कुछ सरकारी छुट्टियां हैं उनको किस तरह से हाईलाइट कराएंगे, अपना यहाँ से गूगल पे आप वैसे सरकारी छुट्टियाँ ढूंढ सकते हैं, बाकी मैं यहाँ से, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इनमें से उठा लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक लिस्ट बना ली किस तारीख को क्या है, उसे कॉपी करके यहाँ पे मैंने हॉलीडे लिस्ट, इस तरह से यहाँ डाल दी मैंने कुछ छुट्टियाँ जो हमारे कंपनी का कुछ भी हो जो कंपनी डिक्लेयर करती है वो छुट्टियाँ ही आ गई।
अब इनको हाईलाइट कराना है, उसके लिए फिर से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करनी पड़ेगी। आते हैं नए रूल पे, यूज फॉर्मूला। इसको आसान बनाने के लिए मैं इसको नेम रेंज दे देता हूँ, मुझे तो खाली डेट्स की जरूरत है। मैं खाली इस डेट को यहाँ पे कर देता हूँ HL, हॉलीडे लिस्ट। ठीक है जी, मैंने नेम डिफाइन कर दिया उसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, काउंट इफ लगा सकते हैं इसकी जगह, काउंट इफ रेंज HL क्राइटेरिया D $5 इक्वल टू 1, मतलब ये उस रेंज में से काउंट करेगा कि हमारी जो ये डेट वैल्यू है उस डेट में है कि नहीं। अगर उसे मिल जाती है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 इक्वल टू 1 मतलब ट्रू। इसको किससे फॉर्मेट करना है, मैंने कहा इससे ऑरेंज से कर दो। ठीक है जी, फिर से मेरा फॉर्मेट प्रिंटर, और वापस इसमें डाल दिया मैंने। अब छुट्टी देखते हैं कब थी हमारे, 10। हाँ 2013 में, 2013 की लिस्ट है मेरे पास, तो 2013 के ही दिखाएगा। तो ये मेरे पास चेंजेस होके आ गए। ठीक है जी, क्या हो गया, इस पे बड़े सारे फॉर्मेट अप्लाई हो गए। मेरे सैटरडे संडे वाले को ये इग्नोर मान रहा है। यहाँ देखते हैं कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसको मैं सैटरडे संडे का रूल सबसे ऊपर ले गया। ओके ठीक तुम्हारे पास जो कंडीशन ओवरलैप हो जाती है उसको हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी क्या होनी चाहिए, मैनेज रूल्स के जरिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर जी म्यूट कर लो, कहाँ चले गए। हाँ तो अब इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दी हमने। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें वैल्यू एंटर करवाना, फॉर्मूला डालेंगे हमारे, छोटा छोटा फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। अब मेरे पास एक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया सिस्टम जनरेट करता हूँ इसके लिए, अटेंडेंस का। इसमें क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ देख लेते हैं। इस तरह से मैंने बना रखा है फॉर्मेट, एम्प्लॉय कोड P001। कौन सी डेट को छुट्टी ली, मैंने ली 3 नवंबर 2013 को, नाम संदीप, यहाँ पे लीव ले ली मैंने। ठीक है जी, इस तरह से कुछ एंट्री कर दी। P002 में
ली 15 नवंबर। मैं ये देख लेता हूँ कि पहले से किसी की इसमें छुट्टी लीव थी कि नहीं। 15 फ्री है, 3 फ्री है, ठीक है जी। अब इसको फिल कराना शुरू करता हूँ। सबसे पहले पी लगानी है इफ कंडीशन के जरिए। इफ सबसे पहले हम पढ़ाते हैं सैटरडे संडे पी। इफ जो है हमारी ये डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की कैपिंग, वीकली ऑफ लगा देते हैं। पी तो लास्ट में लगेगा इसमें। इफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या देना है इसको दे देते हैं डायरेक्ट हमारे पास वाली है। और का वही फॉर्मूला जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाया है, ये हमारी इक्वल टू सैटरडे या फिर इक्वल टू संडे है, दोनों में से कोई भी है। इनकी हम एक चीज करेंगे, फॉर्मूला ड्रैगिंग के लिए हमेशा इनकी रो लॉक कर देंगे। अगर इसमें से कोई भी ट्रू है तो यहाँ पे डाल दें वीकली ऑफ, ठीक है जी। अदरवाइज कर दे पी। इस फॉर्मूले को मैं यहां तक ट्रैक कर लेता हूं। ये तो हो गया हमारा पी वाला सिस्टम। वीकली ऑफ फिक्स किया हमने सैटरडे संडे। अब मैं कहता हूं कि ये तब स्टार्ट होना चाहिए, इसके आगे एक और इफ लगा देता हूं। अगर ये डेट, इसमें मुझे फिक्स करना है C6, इसमें मुझे कॉलम फिक्स करना है, रो नहीं करनी। ज्वाइनिंग डेट जो है हमारी जो है बड़ी है, हमारी ऊपर वाली इस डेट से, तो ट्रू में हमें क्या देना है, ब्लैंक। इस डेट को हम पूरा ही, इसमें हमें कॉलम फिक्स कर, रो फिक्स करनी है, और यहाँ पे हमें कॉलम फिक्स, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन मेरी बिल्ट हो गई। अब क्योंकि ये अक्टूबर की चल रही है तो ये बंदे तो अभी आए नवंबर, तो ये हो गई इनकी। हम नवंबर में आ जाते हैं, तो जब से इनकी स्टार्ट होगी, 15 नवंबर ज्वाइनिंग डेट है, तो 15 नवंबर से अटेंडेंस शुरू होगी। अब इसमें एक और पंगा है। ये जो है हमारा, हमने फॉर्मेटिंग तो बचा ली पर वैल्यू आ रही है यहाँ पे 31 या 30 में या 28 में, जहां पे भी ये वैल्यू आ रही है, एक कंडीशन ये लगानी है। फिर से लगा डालते हैं एक या और इफ। इसमें हमने कहा कि अगर ऊपर वाला जो है
इक्वल टू ब्लैंक है, तो ब्लैंक फॉल्स में ये ठीक है जी, एक बार इसमें करके जी देख। आ रहे थे लास्ट मिनट। सर नेट स्लो लग रहा है मुझे आपका, इस कारण प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई नहीं, वो मैं आपको समझा दूंगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे मैं है? हाँ आपको कह मेरी, रहा हूँ हाँ वॉइस आ रही है बट वीडियो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। अच्छा, सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब मेरा ही स्लो है। हाँ हेलो जी, हो मैं सकता तो है डाउट कर रहा था और सब पे, तो बोल दिया करो ऐसी सबकी। मैं तो सोच क्योंकि रहा अगर एक बंदे की प्रॉब्लम होती है ना, तो मतलब उनकी खुद की है और सबके साथ है, नहीं तो सर, या आपने मेरे सही यहाँ निर्देश दिया है। सर हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम ना, फिर भी है। इन्फॉर्म और किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया ना। नहीं, मेरे साथ 2 बार हो गया, एक बार डिस्कनेक्ट भी हो गया। नहीं, डिस्कनेक्ट में तो नेचुरली आपकी है, क्योंकि बाकी नहीं सारे नहीं मतलब कनेक्शन में चल रहे हैं। आपके पर यहां से अगर मेरे यहां से वीडियो स्लो आपने चल रही मतलब है, मैं कहता सर आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लगा शायद। नहीं, मेरे पास तो ऑलवेज बाकी बाकी सारे चलिए में व्हाट सो डिस्कनेक्ट। एवर, छोड़िए सर उसको, तो आप जिसका भी था। चलो ठीक है, बाकी अभी ये कुछ समझ आया जो मैं करता जा रहा हूँ। सर मैं तो आधा अधूरा हूँ इसमें, तो आई कांट से, क्योंकि वही काफी इसमें मिस हो गया। जब आपने पहला फॉर्मूला लगाया मैंने वो भी नहीं देख पाया, वो हर बट हाँ ये कुछ चीजें एक, समझ पाया। हाँ जी हाँ, तो अभी थोड़ा सा और वॉइस आगे तो समझ बढ़ाते नहीं आ हैं। रहा सर। ये तो खाली डेमो है, ये सारी चीजें आपको जब फॉर्मूला की कमांड कराऊंगा ना, ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक सैंपल दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज सेक। आप इसको बना सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। वीडियो देख देख के आप एक एक फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको बना ले जाएंगे पूरा, ठीक है जी। और एक बार बना ली आपने चीज, तो ये आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा चलते हैं कि हम अटेंडेंस, ये लीव कैसे लगवाएंगे, नहीं हॉलीडे, हॉलीडे का एक सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हॉलीडे कैसे आएगा। हमारा ये सारा कुछ इसी इफ कंडीशन के बेस पे ही चलेगा। इफ हॉलीडे के लिए मेरा वही काउंट इफ का फॉर्मूला चलेगा। इफ काउंट इफ रेंज जो है, हॉलीडे लिस्ट ले रखी है एचएल के नाम से, क्राइटेरिया रहेगी मेरी यही डेट। मोस्टली हर जगह मेरा क्राइटेरिया यही डेट है। इसमें मैं 5 को लॉक कर दे रहा हूँ ताकि फॉर्मूला ड्रैगिंग के दौरान ये 5 ना चेंज हो, ऊपर के कॉलम चेंज हो, ठीक है जी। अगर ये इक्वल टू 1 है तो क्या करूं, यहाँ पे एच लिखवा दूं हॉलीडे, अदरवाइज वो चलने दो पूरा फॉर्मूला। उसमें एक इफ का कंडीशन, इफ का फॉर्मूला जो है वो डालता जा रहा हूं। अब ये देखिए इसमें क्रॉस कर गया, इसमें मेरे सैटरडे संडे वाले फॉर्मूले जो है क्लैश कर गए। अब जिसकी प्रायोरिटी वहां थी उसको उधर देना है,
इसको हल्का सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से इस इफ कंडीशन को उठा के ये फुल कंडीशन, मैं ये सैटरडे संडे वाली को इधर ले आता हूँ। या सैटरडे संडे इसको छोड़िए, इसको यहाँ नहीं लगाते, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये कंडीशन ही यहाँ से मैंने डिलीट कर दी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे मुझे पी लिखना था वहाँ ये इफ के अंदर डाल देता हूँ। या इससे पहले नहीं, या तो पी इफ एच अदरवाइज पी, देखते हैं कुछ चेंज आता है। आ गया, अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब सब हॉलीडे वॉलीडे परफेक्टली ले रहा है। हेलो, हॉलीडे वगैरह परफेक्टली ले रहा है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि जैसे नवंबर है, आज की डेट मेरी थी 27, अब ये इसके आगे भी भरा हुआ दिखा रहा है, इसके लिए एक और फिक्स कर देता हूँ। इफ या इफ हमारा ये D5 रहेगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन टुडे का फॉर्मूला, यहाँ तो सबसे सिंपल है, तो यहाँ आ जाए ब्लैंक, अदरवाइज चलने दो ये फॉर्मूला। या ठीक है जी, डेट की कैपिंग भी कर दी मैंने। अब एक लास्ट काम बचा कि खाली हमारा अटेंडेंस को लेके आना, यहाँ से लीव को मुझे चेक कराना है। अगर यहाँ पे इसको मिल जाता है इस तारीख में लीव इसके अगेंस्ट में, तो अब एम्प्लॉय कोड यूनिक है, डेट की भी अपनी वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ इन दोनों को कंकैटिनेट कर देता हूँ। दो वैल्यू को एक साथ जोड़ने को के प्रोसेस को कंकैटिनेशन कर कहते हैं। अब यहाँ हेल्पर में क्या हुआ, डेट वैल्यू जो थी वो इसके साथ ऐड हो गई, इनकी एक यूनिक आईडी बना दी मैंने इस छुट्टी के लिए, क्योंकि संदीप अगर दूसरी बार आया और किसी और डेट को ली, अगर मैं ये चीज यहाँ पे लीव देता हूँ, दोबारा लीव देता हूँ, तो इसकी आईडी क्या जनरेट होगी, सेम डेट के लिए सेम आईडी, पर जैसे ही डेट चेंज कर दूंगा तो अलग आईडी। कि एक से ज्यादा संदीप हो सकते हैं तो उसके लिए। हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए तो हम इसको डेट के साथ कंबाइन कर देंगे तो सर यूनिक आईडी बन जाएगी, एम्प्लॉय कोड और डेट एक यूनिक आईडी बन जाएगी उस छुट्टी के लिए। ठीक है जी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एम्प्लॉय कोड को मिलाकर पूरा यूनिक हो जाएगा, रेपिटेशन होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। हाँ जी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है सर, ये डेट ऑफ छुट्टी है, डेट ऑफ लीव। अब इसका मैं यहाँ कैसे यूज करूंगा, एक आप कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने यहाँ से ये उठाया और यहाँ से डेली बेसिस पे डेट उठा रहा हूँ,
ठीक है जी, जहां वो आईडी मैच कर गई वहां हमारा एल आ जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट पर लगा देते हैं। थोड़ा नहीं सर, काफी टेढ़ा एक है। अभी तो बस ये ऊपर फॉर्मूला बार में दिख रहा है क्या क्या हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा समझ आएगा क्योंकि मिस भी हो गया। इफ काउंट इफ, अब यहाँ रेंज दे देंगे उसके लिए, क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं डिफाइन किया, कोई काम वैसे भी कराने चाहिए, तो मैं इसको पूरे को ये रेंज दे देता हूँ। पर रेंज देते समय मैंने ध्यान रखना है इसको मैंने फिक्स जरूर करना है, अदरवाइज ये गड़बड़ ही करेगा हमेशा। ठीक यहाँ पे मेरा कॉमा नहीं था। E4, ये भी फिक्स। ठीक है जी, काउंट इफ, इसमें जो था मेरा क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ये खाली A6 से भी ले लेगा ये। इसमें क्या मुझे फिक्स करना है, इसका कॉलम, यहाँ से कॉलम ना हिले, और उसको कंकैटिनेट करना है अपनी ऊपर वाली डेट से। उसमें मैंने ध्यान रखना है कि उसकी रो ना हिले। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 है तो मुझे क्या देना है, लीव, बाकी वैसा फॉर्मूला चलता है। मैंने लगता है ज्यादा ही छुट्टियां दे दी। प्रदीप को मैंने सर लीव विदाउट ट्रेन हो गया कब बाहर जा जाके छुट्टी ले रहे हैं नवंबर, 15 नवंबर, 28 नवंबर, यहां से क्यों मैच कर रहा है, या ब्लैंक में तो मैच ही नहीं करना चाहिए, तो यानी कि मैंने यहीं कहीं गड़बड़ की है। A7 तो ठीक है, कैटिनेट बाय AH5, AG5, यहाँ वैल्यू कैसे आ गई एल की, अगर यहाँ इक्वल टू 1 हो जाए। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने इसमें रेंज ज्यादा दे दी, और देनी थी मुझे हेल्पर कॉलम की। ये जो रेंज है मुझे खाली हेल्पर कॉलम की देनी है, तो यहां से सही करते हैं, सिंगल कॉलम ही पता लगाने के लिए काफी है। अब ये तो सही है, पर 28 नवंबर इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रायोरिटी से बाहर जा रहा है, वो तो मैंने डाल दी वहां। हालांकि लीव तो पहले से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसी को 26 नवंबर कर देता हूँ, तो इस तरह का भी आप ऐड कर सकते हैं, प्रायोरिटी आपके ऊपर डिसाइड करता है। अब एक छोटी सी कंडीशन और लगा देते हैं, क्योंकि अब लीव हाईलाइट करनी है मैंने, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, और करंट सेल है मेरी D6 इक्वल टू D6 अगर एल है, एल है, इसमें मैं किसी को लॉक नहीं करूंगा क्योंकि इंडिविजुअल सेल को चेक करना है मैंने। फिर कोई प्रॉब्लम आने लग गई इसमें, से मुझे लग रहा है मेरा सर एक्सेल स्पेस ही नहीं बचा फॉर्मूला के लिए, ऐसा लग रहा है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ले लेता है तो उसी तरीका से मैं मेरी वो भी लग जाएगी। आज का मेरे ख्याल से बैच ज्यादा लंबा खिंच गया, आगे मैं आपको लीव तक तो ले आगे ले गया, बस इसमें ये चेक करवाना है कि एक अगर इस सेल में एल वैल्यू है तो मुझे इसको कलर करवा देना अलग कलर से, ठीक है जी। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक एग्जाम्पल था। इसके फाइल तो एक्सेल की फाइल, काफी हाँ एक्सेल की फाइल जवाब दे गई है मेरी, मना कर रहा है क्या मतलब? काफी हेड्स सर, ये काफी हेड स्पिनिंग सेशन था। ये तो सर खाली डेमो था, ये छोटी छोटी सी थी। अब कोर्स के एंड में आप ऐसी पता नहीं कितनी चीजें अपने आप से बना बना के पटकेंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ, आप कह रहे हो आपके आपका एक्सेल जवाब दे गया, हमारा दिमाग भी जवाब दे गया, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये खाली डेमो था, ये तो मतलब हमारे ऐसे बीच बीच में डेमो आते रहेंगे दिमाग हिलाने वाले। थोड़ा न्यू है तो, थोड़ा न्यू है तो लगता है हाँ वैसे, बट क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, जिसमें आपको एक हमने पूरे का पूरा एक काम आपका आसान करके दिखा दिया, जो एचआर में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अब वो भी इससे ज्यादा सिंपल करके नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो ये आपका एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। तो आज के लिए गुड नाइट करते हैं, बाकी कल बात करेंगे, जी ठीक है जी। ठीक हाँ जी सर, वो मेल कर दीजिएगा, हाँ जी वीडियो सेंड कर दीजिएगा, ईमेल आईडी के सेंड कर दिया मैंने। सर, मैंने आपको दे दिया है, आपको ईमेल आईडी पे जो आपकी आ रही थी ना ट्रेवल रागा करके, हाँ हाँ तो मैं उस पर बीच में मैंने किया था ना, और ये एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से किसी की आ रही है, ये कौन है? ये नहीं बता सकता मैं कौन है एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा सुजीत सर है क्या है इसमें? सुजीत सर है कि नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से मुझे नहीं पता पड़ रही है किन की आईडी है। नरेंद्र जी की तो नहीं है ये? इसमें लिखा रहता है नॉट टेक कंट्रोल। इनसे पूछते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जी आप सुन रहे हैं? इनको मैसेज मारते हैं कौन?